आरोग्य जागृति। औरंगाबाद के MGM हॉस्पिटल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विषय था, कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए इन्होंने क्या तैयारी की है। कोरोना की ये तीसरी लहर बच्चों को अपने चपेट में ले रही है। इसमें नवजात बच्चों से लेकर सभी उम्र के बच्चे शामिल हैं। पिछले 3 हफ्तों में तकरीबन 15 बच्चे इस बीमारी का शिकार हुए और MGM हॉस्पिटल में एडमिट हुए। MGM के पूरे टीम ने दिन रात मेहनत करके इन बच्चों को कोरोना से बचा लिया है। डॉक्टर विनोद इंगड़े, जो के जाने माने पीडियाट्रिशियन है, और डॉक्टर माधुरी एंगड़े, इनके निगरानी में पिछले 1 साल से कोविड मरीजों की सेवा चल रही है। इनकी टीम में डॉक्टर अंजलि काले, डॉक्टर हसीब, डॉक्टर सिद्दीकी, डॉक्टर सुनील गवाने, साथ ही ICU स्टाफ और स्थानीय डॉक्टरों ने भी परिश्रम लिया। MGM के सर्वे सर्वा डॉक्टर प्रवीण सूर्यवंशी जी ने पीडियाट्रिक कोविड की इस पूरी प्रक्रिया पर ध्यान बनाए रखा। संस्था के वाइस चेयरमैन डॉक्टर PM जाधव और MGM के डीन डॉक्टर राजेंद्र बोरा, इन्होंने सारी टीम को मार्गदर्शन किया। खास बात यह है कि कोरोना से पीड़ित सभी बच्चों का इलाज जीवनदायी योजना के अंतर्गत मुफ्त में किया गया। साथ ही आने वाली तीसरी लहर से लड़ने के लिए MGM ने 500 बेड की अलग से तैयारी कर रखी है। ऐसा MGM के वाइस चेयरमैन डॉक्टर PM जाधव जी ने पत्रकारों को बताया। हमने पिछले 3 हफ्ते से 15 क्रिटिकल बच्चों को ट्रीट किया है। उसमें से 3 बच्चों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थे, 2 को CNS इन्वॉल्वमेंट था, मेंदू ज्वर जो बोलते वैसा था। जो रेस्पिरेटरी बच्चे जिनको इन्वॉल्वमेंट था, उसमें से एक बच्चे का स्कोर CT स्कोर 14 था। बच्चा बहुत छोटा था, जो 13 महीने का बच्चा था, उसको रेमडेसिविर दे के, छोटा जो वेंटिलेटर रहता है CPAP, वो सब मैनेज करके बच्चे को अच्छा होके हमने घर भेजा है। इसी के साथ 6 बच्चे ऐसे थे जिनको मल्टी इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम बोलते हैं, वो था। उसमें से 3 बच्चों को IVIG, एक महंगा इंजेक्शन रहता है, वो दिया गया। और सबसे इसमें खुशी की बात ये थी कि 15 के 15 बच्चे हमारे पूरे डिपार्टमेंट के MGM पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के दिन रात के मेहनत की वजह से अच्छे होके गए हैं। इसमें हमारे HOD माधुरी इंगड़े मैडम, काले मैडम, हसीब सर, गवाने सर, सिद्दीकी सर, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इनके साथ हमारे जो सिस्टर, जो रेसिडेंट डॉक्टर है, इन सब ने दिन रात मेहनत की है, इसी का नतीजा है। सर, बच्चों में जैसे रेमडेसिविर बताया जाता है, इंजेक्शन देते हैं एडल्ट में और इसमें, तो चेंजेस क्या होता है डोसेज में? पीडियाट्रिक में जब हम रेमडेसिविर देते हैं तो वो वज़न के हिसाब से दिया जाता है। जैसे एडल्ट में काफ़ी क्वांटिटी लगती है, उस हिसाब से पीडियाट्रिक में कम डोज लगता है। जनरली हम देते समय 5 mg/kg से देते हैं, और उसके बाद का जो डोज है 2.5 mg/kg से दिया जाता है, जो कि एडल्ट से काफ़ी कम है। सर, कोरोना में बच्चों में सक्सेस रेशियो अच्छा है, तो इसका क्या कारण है? उसके लिए एक रीज़न है कि बच्चों का बाहर घूमना कम रहता है। दूसरे, उसके साथ जो रिसेप्टर जो रहते हैं बच्चों में, वो डेवलप नहीं रहते, उसकी वजह से उनका जो है उसके अगेंस्ट में रिएक्शन कम रहता है। जो साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, जो एडल्ट में देखा जाता है, वो बच्चों में उसकी वजह से कम है। सर, जो बताया कि थर्ड वेव बच्चों पे ही आएगा, तो इसका कौन से बेस पे डिसाइड किया है? ऐसा कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन अब तक हुआ है तो वो 18 के ऊपर के लोगों का, और अभी तक प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दिया गया है, तो उसके कारण ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगला वेव जो रहेगा तो बच्चों में ज़्यादा होने के गुंजाइश है। सर, एज ए पेडियाट्रिशियन, माता पिता को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या इससे बचना है? मैं उनको इतना ही सजेशन दूंगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क कंटिन्यूसली यूज़ कीजिए, और जितना हो सके उतना सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए, और प्रिकॉशन, मतलब आप जितना प्रिवेंशन लेने का कोशिश करेंगे। 15 दिवसापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मीटिंग झाली होती, आणि त्यांनी सगळ्याच इन्स्टिट्यूट्सला बोलून पेडियाट्रिकची आता जे भाकीत वर्तवलं जातं आहे की जी तिसरी लाट येईल, त्या लाटेमध्ये लहान मुलांचं प्रमाण जास्त प्रमाणात राहील, तर त्या दृष्टीने आम्ही ऑलरेडी तयारी केलेली आहे। आणि एक सेपरेट फ्लोअर की ज्याच्यामध्ये 40 बेड हे म्हणजे 40 खाटा या कोविड पिरियाटिक पेशंटसाठी, आणि 20 बेडचं डेडिकेटेड ICU की ज्याच्यामध्ये फुल टाईम इंटेन्सिव्हिस्ट आणि जे सिनियर डॉक्टर्स असतील ते डायरेक्ट मॉनिटर करून ती आपण फॅसिलिटी ऑलरेडी
म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून ठेवलं आहे. तर यदा कदाचित त्याची वेळ लागलीच तर आपण त्या दृष्टीने सज्ज असू. जे पेशंट आहे हैं उसमें से 100% पेशंट जो है सुखरूप अच्छे होकर यहाँ से चले गए हैं. मॉर्टिलिटी नील हैं. महात्मा गांधी मिशन आगे चलकर भी पीडियाट्रिक्स खाली पीडियाट्रिक्स का ही नहीं तो जो भी कुछ कोविड के पेशेंट हो या म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट हो उनके लिए सब ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हैं. किसी के पास पैसा नहीं है इसीलिए यहाँ से कोई भी पेशेंट वापस नहीं जाएगा उसके मैं आपको शाश्वती दिलाता हूँ. थर्ड वेव के लिए हमने कम से कम 550 बेड्स उपलब्ध कर दिए हैं. टोटल हमारे पास 750 बेड्स हैं. उसके अलावा भी महापालिका को हमने हमारा ये दिया है स्पोर्ट्स सेंटर दिया है जहां 200 बच्चों का वहां सुविधा हो सकती है. उन्होंने सुविधा की है तो कम से कम 550 भी पेशेंट आ गए तो हम मैनेज कर सकते हैं. इसका सारा क्रेडिट हमारे सब स्टाफ को जाता है. सब डॉक्टरों ने नर्सेस ने और पर्टिकुलरली जो ट्रेनी स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रात दिन मेहनत की है. किसी ने ये देखा नहीं कि भाई मैं कोरोना पेशेंट के साथ कैसा करूँगा. हमारे बहुत सारे डॉक्टरों को खुद को कोरोना हो गया है तो भी उन्होंने खुद की फिक्र नहीं करते हुए सब लोगों की सब पेशेंट्स की उन्होंने सेवा की है. जिसके पास पैसा नहीं है हमारे पास डॉक्टर मंडी को दूसरे ये हैं तो उन्होंने हर स्कीम में उनको डालने की कोशिश की है. जहाँ कोई भी स्कीम ख़त्म हो गई क्योंकि स्कीमें भी तो बहुत लिमिटेड पैसे आते हैं तो उस अगर स्कीम के वो सब पैसे ख़त्म हो गए तो हमारे पास जो एनवायरमेंट फंड होता है उसमें से हमने दिया है. और उसमें से भी और ज़्यादा होता है तो मैनेजमेंट हैज़ वेवड ऑफ और पेशेंट को ट्रीटमेंट करके हमने भेज दिया है. लेकिन ऐसा कोई भी पेशेंट का नहीं हुआ कि उसके पास पैसा नहीं है और यहाँ हमने एडमिट नहीं किया या दूसरे जगह. हमने सुना है सही और झूठ मालूम नहीं इन पैसों के लिए जितना ये करते हैं वहाँ हमारे पास पैसा ही कुछ नहीं है. उसके अलावा भी हमारे एक मॉरल ऑब्लिगेशंस है हमारे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो ध्यान रखते हुए सब मैनेजमेंट अब हमारा सब स्टाफ जो है उसकी दिन रात लोगों की सेवा कर रहा है. अब हम आगे ही आगे भी करते रहेंगे. आप लोगों का हमें आज तक बहुत अच्छा सहवास मिला है सहकार मिला है. होप आशा करता हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसा ही कोऑपरेशन करेंगे. थैंक यू.